कहते हैं राजनीति एक ऐसा पेशा है जिसमें पॉलिटिकली करेक्ट सब कुछ होना चाहिए, लेकिन कई बार अफसर और जिनका ये मूल पेशा नहीं होता वो राजनीति में तो आ जाते हैं, लेकिन जब राजनीतिक सवाल होते हैं तो उनकी घिघी बन जाती है, या यूं कहें गला सूखने लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ बीते दिनों पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस रहे अभिजीत गंगोपाध्याय के साथ। दरअसल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, एक इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर ने ऐसा सवाल पूछ लिया कि उन्होंने तो पहले पानी पिया, उसके बाद सवाल का जवाब टाल गए। उन्होंने ये कहा, इस सवाल को मैं बाद में लूंगा और बाद में इसका जवाब दूंगा, अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं। और ये सवाल था गांधी और गुडसे के बीच एक को चुनने का, लेकिन इसमें वो आकर के फंस गए। दरअसल पश्चिम बंगाल में कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस के पद से इस्तीफा दे करके राजनीति में आए अभिजीत गंगोपाध्याय विवाद में आ गए। गंगोपाध्याय ने इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन इसके बाद एक बंगाली टीवी चैनल के कार्यक्रम में इंटरव्यू दिया, रैपिड फायर राउंड आया, कई सवाल पूछे गए। इस दौरान गंगोपाध्याय से गांधी और गुडसे में किसी एक को चुनने के लिए कहा गया, दो ही ऑप्शन थे, दोनों में से एक चुनना था। यहां पर आकर के वो फंस गए। उन्होंने पहले गहरी लंबी सांस ली और उसके बाद पानी पिया, कहा उन्होंने, अभी इसका उत्तर नहीं दूंगा, मुझे इस पर विचार करने की जरूरत है। तो आप समझिए कि गांधी के देश में अभी भी अगर विचार करना पड़े, वो भी एक पूर्व हाई कोर्ट के जस्टिस को, तो हालत क्या होंगे, कैसी स्थिति होगी, कैसी मनोदशा होगी, समझ सकते हैं। पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का ये वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बंगाल के लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको बता दें, गंगोपाध्याय ने 5 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दिया था। अभिजीत गंगोपाध्याय से रैपिड फायर राउंड में कई सवाल पूछे गए थे, जिसमें से एक सवाल ये था कि शाहरुख और अक्षय कुमार में किसे चुनेंगे। उन्होंने अक्षय कुमार को चुना। आगे पूछा गया आलिया भट्ट या कंगना रनौत, उन्होंने आलिया भट्ट को चुना। हिंदू राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष भारत, उन्होंने धर्मनिरपेक्ष भारत को चुना, लेकिन वो गांधी और गुडसे के बीच फैसला नहीं कर पाए। अब आप समझिए कि पूर्व जस्टिस गांधी और गुडसे में आकर अटक गए और वो फैसला लेने की स्थिति में नहीं मिले। पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय जवाब न देने पाने पर टीएमसी के लोगों ने निशाना साधना शुरू किया है। टीएमसी ने कहा है, एक आदमी जो 4 दिन पहले तक हाई कोर्ट का जज था, वो गांधी और गुडसे के बीच फैसला नहीं कर पा रहा है। कल्पना कीजिए कि इस आदमी ने अदालत में कैसे फैसले सुनाए होंगे और इसकी मानसिकता क्या रही हो। बात वहीं आ गई, मानसिकता की, विचारों की और बौद्धिकी की। कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस रहे गंगोपाध्याय पश्चिम बंगाल में कई घोटालों की जांच के आदेश देकर सुर्खियों में आए थे। उनके ऊपर तमाम बाद में आरोप भी लगे थे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया था, लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा था कि टीएमसी नेताओं की तरफ से चुनौती दिए जाने की वजह से वो न्यायपालिका छोड़ रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं। उन्होंने 8 मार्च को बिना देरी के बीजेपी का झंडा थाम लिया। बंगाली चैनल के सवाल पर जवाब नहीं दे पाने का वीडियो जहां वायरल हो रहा है, तो वहीं इस मुद्दे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस ने अपनी राय रखी है। उन्होंने ये भी लिखा है, ये गलत सवाल है, गुडसे एक हत्यारा था, महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन है, जैसा कि उन्हें भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने माना है, ऐसे में दोनों की तुलना कैसे हो सकती है। सोशल मीडिया पर पूर्व जस्टिस के इंटरव्यू का ये भाग काफी वायरल हो रहा है और तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। यह युग है गंगोपाध्याय को लेकर के बंगाल में अब धीरे धीरे एक राय बनती जा रही है, या तो वो इस पार की या तो फिर उस पार की, यानी मामला ग्रे लाइन का नहीं है। पूर्व जस्टिस गंगोपाध्याय ने जज रहते हुए ममता सरकार की खूब किरकिरी की थी। दरअसल 14 मामलों की ईडी और सीबीआई को जांच सौंप दी थी, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस फंस गई थी। कई मामलों में सीबीआई और ईडी के तमाम अफसरों ने उनके तमाम नेताओं के घरों में छापे और तमाम जांच पड़ताल की थी। दरअसल टीएमसी निष्पक्ष न होने के आरोप लगा रही थी, और जो कि उनके फेवर में नहीं था, यानी फैसले जो टीएमसी के फेवर में नहीं थे, उसके बाद उन्होंने निष्पक्ष न होने के तमाम आरोप लगाए थे।
इसी को लेकर के बाद में गंगोपाध्याय ने कहा कि अब वो राजनीति में जाएंगे और वहां खुल करके खेलेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी से संपर्क के बारे में गंगोपाध्याय चर्चित रह चुके हैं। उन्होंने ये कहा था कि एक कॉमन फ्रेंड के जरिए वो बीजेपी के संपर्क में थे और बीजेपी भी लगातार उनसे संपर्क बनाए हुई थी, और जब मामला डन हो गया तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और इस बयान की भी खूब भर्त्सना हुई थी। गंगोपाध्याय का ये बयान भी खूब चर्चा में आया था कि कैसे उन्होंने किसी एक कॉमन फ्रेंड के जरिए बीजेपी से पहले से बात शुरू कर रखी थी, जब बात बन गई तो फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ऐसे में सवाल ये है कि जब वो बीजेपी के संपर्क में आ रहे थे या बीजेपी से जब कम्युनिकेशन साध रहे थे, तब उस दौरान उनके फैसले कैसे रहे होंगे, इसी को लेकर के टीएमसी अब मुद्दा बनाने में जुट गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।